और एक झलक पाने के लिए दोनों ही नेताओं की, विश्व स्तर के दोनों ही नेता, इन दोनों की ही झलक पाने के लिए जयपुर की सड़कों पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक, 25 जनवरी का दिन जब फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत की सरजमी पर, और वो 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर वो शामिल होने के लिए इस वक्त हिंदुस्तान की सरजमी पर मौजूद हैं। और इन तस्वीरों के ज़रिए जयपुर पिंक सिटी, इसका वो मुआयना कर रहे हैं, लुत्फ ले रहे हैं। और इससे पहले हमने कहा कि आमेर का किला, जंतर मंतर, इन तमाम जगहों पर वो गए और उन्होंने वहाँ पर देखा। और इस तरह से भारत और फ्रांस के रिश्तों में एक और नए अध्याय की आज से शुरुआत होने जा रही है। छठे ऐसे नेता वो बन गए हैं जो कि गणतंत्र दिवस परेड में वो शामिल होने के लिए भारत में वो इस वक्त आए हुए हैं। कल गणतंत्र दिवस में आपको वो कर्तव्य पथ पर दिखाई देंगे, आज उससे पहले राजस्थान की राजधानी जयपुर में इस वक्त मौजूद हैं। हमने देखा एयरपोर्ट पर किस तरह से विदेश मंत्री और तमाम जो बड़े नेता है वो वहाँ पर उनकी अगवानी के लिए मौजूद थे। भारत और फ्रांस के रिश्तों के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत के तौर पर आज के दिन को, इस समारोह को देखा जा सकता है। अजय, यह दृश्य सामान्य नहीं है, ये सांस्कृतिक शोभा यात्रा है। ये दोनों देशों के बीच बढ़ते हुए सांस्कृतिक संबंधों की प्रगाढ़ता का प्रतीक, उसकी यात्रा है। ये दो विश्व मित्रों के एक साथ मिलने और दोनों देशों के बीच संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने की शोभा यात्रा है। ये ऐसे दृश्य हैं जिन पर केवल फ्रांस और भारत की निगाहें नहीं हैं, बल्कि ये समूचा विश्व इन दृश्यों को देख रहा है कि कैसे दो महाशक्तियां, भारत जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और फ्रांस जो कि यूरोजोन की एक बड़ी महाशक्ति है, कैसे दोनों नेता सहज तरीके से, सरल तरीके से रोड शो में हिस्सा ले रहे हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हुए कैसे जन समुदाय है उनका स्वागत कर रहा है, एक झलक पाने के लिए कैसे समूचा जयपुर उमड़ पड़ा है, ये देख रहे हैं। रात्रि में और भी खूबसूरत जगमगाता जयपुर, वहाँ की सड़कें, वहाँ के प्रतिष्ठान लोगों के हुजूम से भरे हुए, और इस शोभा यात्रा का गवाह बनने की कोशिश करते हुए अपने मोबाइल कैमरों में इस ऐतिहासिक तस्वीर को कैद करने की कोशिश करते हुए, क्योंकि ये न भूतो न भविष्यति, पहले ऐसा कभी हुआ नहीं जयपुर के शहर में। इससे पहले अहमदाबाद ने दो राष्ट्र नेताओं को देखा, शिंजो आबे और डोनाल्ड ट्रंप को, जयपुर ने ऐसा कभी नहीं देखा। पहली बार जयपुर को ये दृश्य दिखाई दे रहे हैं।